वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूं सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो एग्जैक्टली आज मैं जिस चीज़ पे बात करने आई हूं उस पे मुझसे बहुत से लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना पर्टिकुलर इस पे आज मैं एक वीडियो बनाऊं। तो जी हां, यहां पे मैं बात करूंगी कि आज जो है शहनाज गिल ने अपना वेट कैसे इतना ज़्यादा कम किया, और उसके थ्रू भी मैंने बहुत से लोगों का वेट लॉस कराया, जिससे कि जो उन्होंने किया पर्टिकुलर, और एक्सरसाइज जैसे कि उन्होंने नहीं की, जैसा उनका साफ कहना है था कि मैंने अपनी रूटीन में एक्सरसाइज को इंक्लूड नहीं किया, और जो चीज़ उन्होंने की आई थिंक वो वीडियो मैं आपको 2 साल पहले बना के दे चुकी हूँ, लेकिन चीज़ें वही होती हैं जब आपको चीज़ इफेक्ट दिखाई देते हैं। जैसे जो मेरे क्लाइंट्स हैं जिनको इफेक्ट हुआ, उन्होंने उस चीज़ को समझा, लेकिन अगर आप जैसे अभी वीडियो देख रहे हो तो आपको चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, लेकिन हाँ करोगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। और रातों रात कोई भी मैजिक नहीं होता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, चाहे जॉब के लिए हो, चाहे वेट लॉस के लिए हो, किसी भी चीज़ के लिए हो, मेहनत आपको करनी पड़ेगी ही। वो चाहे आप एक्सरसाइज में पसीना बहाओ, या फिर डाइट में थोड़ा सा सोच लो कि हमें कम खाना है, या फिर आप कुछ जो मैं ड्रिंक्स बताती हूँ वो बना के पियो, मतलब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, बैठे बैठे वेट लॉस नहीं होगा। तो शहनाज गिल ने स्पेशली क्या किया वो मैं आज आपको वीडियो में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मेरा न्यू चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो, लिंक मैंने नीचे दे दिया है, साथ ही साथ मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो, मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो थैंक यू। तो चलिए बताते हैं कि उन्होंने कैसे पर्टिकुलर अपना वेट कम किया, और मैंने आपको 2 साल पहले ये इसके बारे में क्या बताया था। तो चलिए चलते हैं वीडियो। शहनाज गिल का कहना है कि उन्होंने जो है फास्टिंग की, और फास्टिंग भी लोगों का कहना होता है 10 से 12 घंटे, 16 से 22 घंटे, लेकिन एग्जैक्टली उन्होंने कितनी फास्टिंग की आज मैं वो आपको विद द टाइम बताऊंगी कि कितनी ज़्यादा उन्होंने फास्टिंग की, और साथ ही साथ उस फास्टिंग के बाद उन्होंने क्या खाया, कैसे सारी चीज़ें की, वो सारी चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगी। तो अगर टाइम की बात करूँ तो टाइम है उनका फास्टिंग का, शाम को 7 बजे वो खाना बंद कर देती थी, उसके बाद दूसरे दिन जो नेक्स्ट मील लेती थी वो 1:30 बजे लेती थी। तो वो पूरा जो फास्टिंग का टाइम है, इससे ज़्यादा इससे क्या होगा, आप इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी जो है एक तो अच्छे से काम कर पाएगी, अच्छे से वर्क कर पाएगी, जो चीज़ पहले से है उन्हें बॉडी में गला पाएगी, डिटॉक्सिफिकेशन कर पाएगी, क्योंकि नॉर्मल सी बात है 1:30 बजे तक आप लेटे नहीं रहोगे, आप कोई ना कोई जरूर काम करोगे, तो एक्टिव मोड में ज़्यादा जा पाएगी, सुस्त नहीं हो पाएगी, और जो भी गंदगी है वो निकलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है, सेकेंड चीज़ ये है तो उस समय, और उसके बाद ये होता है कि आप फास्टिंग के बाद क्या खाओ, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबका होता है। तो फास्टिंग के बाद आपको जो खाना है, या एग्जैक्टली शहनाज गिल खाती थी, वो है प्रोटीन। वो किसी भी रूप में प्रोटीन हो, आप पनीर खाओ 25 to 50 grams तक, और अंडा 2 अंडे खा सकते हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आफ्टर फास्टिंग आपको प्रोटीन लेना है। ऐसा नहीं है कि आप जंक फूड पे टूट पड़ो या फिर आप कार्ब की तरफ टूट पड़ो, ऐसा नहीं करना है। आपको अच्छा प्रोटीन लेना है। वेजिटेरियन हो आप पनीर ले लो, नॉन वेजिटेरियन हो आप जो है ले लो, एग तो वैसे भी मोस्टली लोग खाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो फास्टिंग करनी है वो करनी है रात में 7 बजे से सुबह 1:30 बजे तक। उसके बाद जो आपको नेक्स्ट डाइट लेना है वो लेना है प्रोटीन रिच फूड लेना है। उसके बाद आप थोड़ा बहुत ये खाओ, फिर अपना इधर उधर टहलो, उसके बाद आप थोड़ी सी चाय पी लो विदाउट शुगर, और इस फास्टिंग में आप कोशिश करो शुगर को अवॉइड करो, और अगर शुगर ले भी रहे हो तो आप किसी और फॉर्म में लो, बिल्कुल ही ज़्यादा नेचुरल फॉर्म, मतलब नेचुरल फॉर्म में लो, ये जो मार्केट में शुगर मिलती है वो मत लो। और स्टीविया लीव्स की टी ले सकते हो आप, साथ ही साथ शुगर फ्री का, अगर थोड़ा बहुत मीठा खाना चाहते हो तो आप मीठा खा सकते हो इस फास्टिंग में। तो 1:30 से 7 बजे तक का टाइम है, उसके बीच में आपको क्या लेना है वो मैं आज आपको डाइट दिखाऊंगी कि उस डाइट के बीच में क्या लेना है, चलिए दिखाती हूँ वीडियो में, और विद रेसिपी आपको इंक्लूड करूँगी कि कौन सी रेसिपी आपको उसमें इंक्लूड करनी है और क्या खाना है, साथ ही साथ शाम को आपको कैसे करना है, 7:30 बजे से पहले आपको क्या लेना है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में दिखाऊंगी। तो चलिए दिखाती हूँ, साथ ही साथ टाइम और सारी चीज़ें तो मैंने बताई। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको भारती सिंह एंड शहनाज गिल दोनों की जो प्रॉपर चीज़ें जो उन्होंने ऐड की, देखिए जो नॉन वेजिटेरियन है उन्होंने नॉन वेज चीज़ें जो ऐड की, लेकिन हाँ अपनी डाइट में वेज में जो उन्होंने इंक्लूड किया वो किया लॉट्स ऑफ प्रोटीन एंड लॉट्स ऑफ फाइबर, जो कि प्रोटीन आपको इस दाल में मिलेगा, फाइबर आपको इस लौकी की सब्जी लौकी में मिलेगा। और अगर आप वेजिटेरियन हो तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका मेरे से यही होता है कि सुगम हम प्रोटीन और फाइबर किस फॉर्म में लें, तो यहाँ पे मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप दाल के रूप में प्रोटीन लो और फाइबर के रूप में हमारे पास जो ग्रीन सब्जियाँ हैं जो नेचुरल देन है भगवान की वो आप ऐड ऑन करो। ये एक छोटी सी रेसिपी है जो आपको जिस तरह दाल बनाते हो उस तरह से आप घर में दाल बना लो,
बहुत यम्मी सी लगती है। और छिलके वाली मूंग की दाल लेना, उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। इस तरह से दाल बनेगी। आप तड़का उसमें अच्छे से लगा लो, सरसों का तेल डाल लो या फिर नारियल का तेल डाल लो या फिर ऑलिव ऑयल डाल लो और ढेर सारा लहसुन डाल लो, जीरा, हींग, जैसे आप तड़का लगाते हो उस तरह से दाल में तड़का लगा सकते हो। और यकीन मानिए अभी मैं इसमें थोड़े से फाइबर्स और ऐड करूँगी इस डाइट में, मतलब ये जो दोपहर की डाइट है इसमें मैं फ़ाइबर और ऐड करूँगी। और आप देखना, बहुत ही यम्मी सी डिश है। और एग्जैक्टली अगर मैं बोलूँ तो घर का खाना इसे ही बोलते हैं जिससे आप वेट लॉस कर सकते हो। नॉन वेजिटेरियन में जो भी चीज़ें उन्होंने इंक्लूड की मैं उसके बारे में इसलिए नहीं बता सकती बिकॉज़ ये एक वेज चैनल है और मैं यहाँ पर नॉन वेज चीज़ें आपके साथ नहीं, इवन अंडे की कोई रेसिपी भी शेयर नहीं करती हूँ। इस तरह से मैंने ढेर सारा लहसुन ऐड किया और जो भी चीज़ें ऐड की वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, थोड़ा सा जल्दी फॉर्मेट में दिखा रही हूँ ताकि आप भी अच्छे से समझ पाओ और बोर भी ना हो। इस तरह से आप इसमें सारी चीज़ें ऐड कर लो और प्याज ऐड करना चाहो प्याज ऐड कर लो, लेकिन हाँ घर के खाने को भी एक अच्छा सा फ्यूज़न दो ताकि खाने में मज़ा आए और आपके माइंड में ये चीज़ बिल्कुल भी ना रहे कि ये जो है हम डाइट पे हैं। नहीं, जो नॉर्मल खाना सब लोग खा रहे हैं हम वो खा रहे हैं, ऐसा चीज़ माइंड में सेट करो। तो यहाँ पे आपकी जो दाल है वो बनके रेडी है यम्मी सी। आप अब जो मैं दूसरी चीज़ इसमें ऐड ऑन करूँगी वो मैं करूँगी खीरे का रायता और साथ ही साथ सैलड मूली का। तो लॉट्स ऑफ फाइबर मैंने इसमें ऐड ऑन कर लिया है, ये मेरा लंच हो गया है। देन उसके बाद इवनिंग में जो आपको करना है एक शुगर फ्री चाय लेनी है और दो आपको मल्टीग्रेन बिस्किट लेने हैं। तो इस तरह से आप इवनिंग में इस तरह से कर सकते हो। देन आप 7 बजे से फिर फास्टिंग पे आ जाओ और इस तरह से बहुत अच्छा वेट लॉस करोगे। आई होप गाइज आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि कितने बजे फास्टिंग करनी है, क्या आफ्टर फास्टिंग क्या खाना है, कैसे रहना है। सारी चीज़ें मैंने समझाने की बहुत अच्छे से कोशिश की है। और हो सके तो सूर्य नमस्कार करिए, हो सके तो वॉक करिए, और नहीं हो सकता तो इस डाइट को जरूर करिए, आपका वेट लॉस बहुत ही अच्छा होगा। वीडियो जरा से भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पसंद आया हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ बहुत ही जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।